ऐसा कौन सा खाने की चीज है जिसकी ऊपरी हिस्सा को हम लोग फेंक देते हैं? कहाँ के आते हैं पता? हमारे गांव के। यहाँ पर गोंड जनजाति के लोग निवास करते हैं। हमारे गांव के नाम इस रोड पे गलती से भी मत आना, देख रहे हो ना रोड कैसा है। और जिनको जिनको फ्री में मेकअप करवाना हो और जिनको अपना बाल वाइट कलर करवाना हो बेशक आ सकते हो, देख रहे हो ना। अभी अभी मैं खेदापाली गांव से पार हुआ हूँ और सामने में है छाल, SCCL छाल की खुली खदान है। लंबी लाइनें लगी हुई है गाड़ियों की, देख सकते हो। और जहाँ पर खुली खदान हो वहाँ का रोड कुछ ऐसा होता है, ऐसा हाल। यहाँ पर लेफ्ट साइड में रोड दिख रहा होगा, ये छाल जाता है और मैं जाऊँगा राइट साइड वाली रोड पे। माता इसको चराने के लिए जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं, सफ़र जारी रखते हैं। ये वाला रोड सीधे जाओगे तो घर घोड़ा लेके जाएगी और मैं जाऊँगा राइट साइड वाली रोड पर, जंगल वाला रोड। ये है बोजिया गाँव, जहाँ पर मेला लगता है कार्तिक महीने में। मेला देखने आइएगा, मस्त मेला लगता है ज़ोरदार। तो बहुत सुंदर सुंदर गांव देखने को मिलेगा आप लोगों को। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, मज़ा आएगा आप लोगों को भी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हमारे चैनल पर रायगढ़ ज़िले के छोटे छोटे गांव और गांव में होने वाले मेले महोत्सव शादी विवाह सभी का वीडियो हमारे चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्यूचर में। और यहाँ पर देखो हरे भरे, यहाँ पर दिखाई नहीं देता अगर, ये देखो ये बस्ती सर लेफ्ट साइड में है बड़ा बस्ती। तो हम लोग राइट साइड वाले रूट पे जाएंगे, ये जंगल वाला जंगल तरफ लेके जाएगी और ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है। तो रात में आइएगा ना तो काफ़ी संभल कर आइएगा इस रोड पे। वैसे जब भी हाथी आता है तो आसपास के गांव वालों को पहले पता चल जाता है और वन विभाग द्वारा सूचित कर दिया जाता है कि जंगल तरफ ना जाएं, हाथी आया हुआ है करके। कई बार हाथियों का कुचलने की मतलब खबर आती रहती है। और वैसे आज तक मैं जंगली हाथी देखा नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी सुनने को मिलता है इधर जंगली हाथी विचरण करते हैं। बोर्ड पर लिखा रहता है जंगल में कि सावधान हाथी प्रभावित क्षेत्र जंगली हाथी विचरण करते हैं, ऐसा टाइप का लिखा रहता है बोर्ड पे। और इधर देखो राइट साइड में मूंगफली का खेत, यहाँ पर हरे भरे मूंगफली का खेत और प्यारी सी सड़क, सुंदर सुंदर सड़क, सुंदर सुंदर प्राकृतिक नज़ारे, सुंदर वादियों के बीच हमारा सफ़र। और आज मैं जा रहा हूँ यार, उसको बताया नहीं आप लोगों की मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं भालूमुड़ा जा रहा हूँ, गांव का नाम है भालूमुड़ा, जो कि तमनार ब्लॉक पे आता है और हमारे गांव से लगभग 50 किलोमीटर पड़ता है। तो मैं वहीं जा रहा हूँ और मैं दसक्रम जा रहा हूँ, दसक्रम नहीं होता है मेरा साढ़ू रहता है वहाँ पर, तो वहीं जा रहा हूँ। और ये देखो घने घने जंगल, तो इसी जंगल में हाथियों का आना जाना लगा रहता है भाई। बोजिया से लगभग 2 किलोमीटर सफ़र करने के बाद आप लोगों को इस सामने में जो दिख रहा है ये है कटईपाली सी, ABC ऐसा सुना है, ये कटईपाली ABC है करके। तो ये कटईपाली सी है जो सामने में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये है बाज़ार, यहाँ का कटईपाली का बाज़ार है, यहाँ पर बाज़ार लगता है। तो एकाक दिन आएँगे यहाँ का बाज़ार का वीडियो बनाएँगे हम लोग। तो ये है फर्स्ट वाला मोहल्ला जो कि स्कूल मोहल्ला है। चलो दिखाते हैं कि गांव कैसा है यहाँ का कटईपाली सी का। ये धर्मजयगढ़ में आता था पहले, लेकिन आजकल ये शायद छाल में आता होगा क्योंकि नया तहसील बना है छाल। छाल यहाँ से काफ़ी नज़दीक में पड़ता है। और ये देखो कटईपाली सी काफ़ी डेवलप कर रखा है गांव, मतलब पहले आवन में तो इतना बिल्डिंग वगैरह दिखाई नहीं देता था, आजकल सब तरफ दुकान दिखाई दे रहा है, बिल्डिंग वाली घर काफ़ी बन गए हैं आजकल। लेकिन ऐसा लग रहा है यार कि कंक्रीट नहीं हुआ है गली में, नहीं तो आजकल हमारे गांव हमारे क्षेत्र में लगभग सभी गांव में रहे कंक्रीट का सीसी रोड बन गए हैं गली गली में। तो यहां पर ऐसा दिख नहीं रहा है कि बालू में दब गया होगा, इधर दिख रहा है इधर शायद बालू, कंक्रीट का सीसी रोड बन गया है यार, बालू में दब गया है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। कोई कोई गाँव में होता है बहुत ज़्यादा बालू होता है गाँव में तो दब जाता है। भालूमुड़ा जाने के लिए और भी बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि मेन रोड से भी मैं जा सकता था और उधर से शॉर्टकट भी है, उधर से भी जा सकता था, लेकिन मैं इधर का वीडियो बनाना था मेरे को क्योंकि इस रास्ते में मैं बहुत कम आता हूँ।
तो इसलिए इधर का गांव भी मेरे को अच्छा लगता है, तो इसलिए इस रास्ते पे आज जा रहा हूँ। और यहाँ से आप लोग सीधे जाओगे तो लोटान होते हुए आपको सीधा मेन रोड निकालेगी, लेकिन हम लोग राइट साइड में चलेंगे, राइट साइड वाली रोड पे। तो चलो चलते हैं हम एड़ूकला। एड़ूकला देख रहे हो यहाँ, ये गांव भी काफ़ी सुंदर सा गांव है, जंगलों के बीच बसा हुआ गांव, काफ़ी अच्छा गांव है। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ ज़िला, जो कि उत्तर में आप लोगों को घने घने जंगल और बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलेगा, और ज़िले के दक्षिण में आप लोगों को मैदानी क्षेत्र देखने को मिलेगा। और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जो कि गांव में बसती है, और यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं जो कि गोंड, कंवर, उरांव और धनवार, और भी बहुत सारी जनजातियाँ हैं। ज़्यादातर जनजातियाँ जो है धर्मजयगढ़ और तमनार, ललुंगा, यहाँ पर यहाँ के जंगलों में बसता है यहाँ के जनजाति। यहाँ पे सामने में नाला है, ये जिसके ऊपर अभी पुल बना है। जब ये पुल नहीं बना था ना, तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था गांव वालों को, जब बरसात के टाइम आता था तब। दोनों एक ही गांव होने के बावजूद भी दो भागों में बढ़ जाता था ये गांव, मतलब दोनों नाला के अगल बगल बसा हुआ है ये गांव, एक ही गाँव है एड़ूकला। कुछ टाइम पहले कुछ लोगों का कमेंट आता था कि बैलगाड़ी दिखाओ करके, तो हमारे गाँव में तो बैलगाड़ी ही नहीं है, तो कहाँ से दिखाता। तो देख सकते हो इधर राइट साइड में बैलगाड़ी खड़ी है यहाँ पर, और धान मिसाई करने वाला बेलन भी आप लोग किनारे किनारे में देख सकते हो रखे हुए हैं। जब धान मिसाई का सीज़न आता है तब निकालते हैं इसको, जानवर की सहायता से धान मिसाई करते हैं। गांव आप लोगों को सूना सूना लग रहा होगा, क्योंकि सभी सुबह सुबह खेत पे काम करने के लिए निकल जाते हैं, और बहुत सारे लोग लकड़ी लेने के लिए भी चले जाते हैं, तो काफ़ी सूना सूना लग रहा है। खेती बाड़ी का समय है तो सभी खेत तरफ चले जाते हैं सुबह सुबह। शहर की चकाचौंध से दूर छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच बसा हुआ गांव एड़ूकला, यहां पर गोंड जनजाति के लोग निवास करते हैं ज़्यादातर, तो इसको हमारे क्षेत्र में गोंड एड़ू भी बोला जाता है। देख सकते हो यहां पर दूर दूर पर घर बने हुए हैं, और यहां पे हाथी भी आता है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ग्रामीणों को। देख सकते हो कभी कभी फसल पूरा चौपट कर देते हैं हाथी, और कभी कभी तो घर वर को भी स्टोरी में भी पोस्ट करूंगा। और इधर देख रहे हो आज तक पुल नहीं बना इसमें, इधर नाला है, तो कभी कभी इसमें ज़्यादा पानी जाता है तो पार करते नहीं बनता है। देख रहे हो ना, इधर खतरनाक रास्ता है भाई। इसमें अभी तक पुल नहीं बना, तो अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए रुका हूँ, क्योंकि उधर का धूल मिट्टी, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी प्रदूषण रोड का झेलते हुए आया हूँ अभी। एड़ू और छाल के बीच में ना बहुत ज़्यादा रोड ख़राब था, तो मेरा बाल ना पूरा वाइट हो गया था, तो अभी यहाँ पर फ्रेश हो रहा था मैं। तो चलो ठीक है, चलते हैं, और भी बहुत सारे गांव दिखाते हुए चलेंगे इधर आप लोगों को। कहाँ के आगे नोनी है यह के कौन गाँव आए गए थे हमार गाँव गाँव के नाम वही बता ना, पानी खेल थे कि तुम गाँव पानी रहते कि नहीं रहे खेत में नहाया जाता है। चलो आगे चलते हैं, इधर जो सामने में दिख रहा है इस गांव का नाम है पानी खेत गांव। चलो दिखाते हैं, ये भी काफ़ी प्यारा सा गांव है आज का हमारा काफ़ी हद तक। और ये देख सकते हो ये पानी खेत का गांव है, काफ़ी लंबा सा है, क्योंकि किनारे किनारे में ही घर बना हुआ है, चौड़ा बस्ती नहीं है, तो इसलिए काफ़ी लंबा लग रहा है। और ये ऊपर वाला मोहल्ला है,
पानी खेत और एड़ूकला, ये दोनों गांव ना मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं इधर के गांव। तो मैंने सोचा आज क्यों ना आप लोगों को भी दिखा दिया जाए करके। यहाँ पे कृषि केंद्र भी है इधर लेफ्ट साइड में, पटेल कृषि केंद्र, जो कि खेत के लिए दवाई वगैरह बेचते हैं, कीटनाशक वगैरह। और गांव से बाहर निकलते ही आप लोगों को इधर ग्रीन कलर के मैदान, हरे भरे मैदान दिख रहे होंगे मस्त। और इसमें खेती वगैरह तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, केवल खाली दिख रहे हैं, खाली मैदान ही है। खेत से लगभग 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद इधर आप लोगों को मेन रोड दिखेगा, ये सीधा आप लोगों को रावो डैम देखे जाएगी। और लेफ्ट साइड में चले जाओगे तो टंडन और पारा की तरफ निकलता है। तो अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं रावो डैम, जो कि आप लोग कई बार देख चुके हो। इधर महिलाएं लकड़ी लेने के लिए गए थे। पहले हमारा मीटअप था यहाँ पे रावो डैम पे, तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में राठिया यूट्यूबर का मीटअप रखा था। और ये रोड काफ़ी प्यारा लग रहा है, देखो कितना शानदार, दोनों साइड हरे भरे घास और बीच में प्यारा सा छोटा सा सड़क। इस रास्ते पे इसलिए आ रहा हूँ, मुझे छरा टांगर में भी रुकना है थोड़ी देर, और आधे घंटा वहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे भालू मुड़ा के लिए। रावो गांव से थोड़ा सा आगे निकलने के बाद हम लोग लेफ्ट साइड में कटेंगे, और सीधे जाओगे तो आप लोग सराई पाली, उधर रायगढ़ तरफ निकलता है मेन रोड। तो इधर थोड़ी कच्ची रोड है, थोड़ी सी, लगभग 4 किलोमीटर कच्ची रोड है। A few moments later. तो अभी मैं छरा टांगर में रुका हुआ था कुछ देर, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं भालू मुड़ा के लिए। और इधर सामने में गांव है अमलीडीह, जो कि रायगढ़ से खरगोड़ा वाला मेन रोड के किनारे पे बसा हुआ है। गाँव अमलीडीह बोलते हैं इस गांव का नाम। मेन बस्ती आगे साइड है, ये छोटा वाला मोहल्ला है। और अभी मौसम भी थोड़ा सा ख़राब लग रहा है यार, पानी गिरने जैसा मौसम कर रखा है, क्या पता कब बारिश हो जाए। और रेनकोट वगैरह कुछ भी नहीं पकड़ा हूँ मैं। तो ये है अमलीडीह का बस स्टेशन, यहाँ से मेन रोड शुरू होता है। ये है मेन रोड और मेन बस्ती है अमलीडीह का, ये वाला ये मेन बस्ती है। और रोड किनारे का गांव देख रहे हो ना, कितना धूल मिट्टी प्रदूषण खाना पड़ता है बेचारों को, पूरा धूल जमा हुआ है घर में। ओ भाई, घर घोड़ा आते ही इधर देखो, इधर तो बारिश हो रहा था यार, देखो कितना गीला हो गया है। अभी बारिश हो रहा था कुछ टाइम पहले, उधर तो नहीं हो रहा था, थोड़ा हुआ। तो ये है घर घोड़ा, मेन सिटी आप लोगों को आगे में देखने को मिलेगा। ये है कारगिल चौक, मेरे को ठीक से पता नहीं है वैसे, अगर आप लोगों को पता हो तो बता सकते हो कमेंट में। आजकल घरघोड़ा भी काफ़ी डेवलप कर रखा है भाई शहर, काफ़ी अच्छे दुकान शॉप खुल रहे हैं, अच्छे बिल्डिंग्स बन रहे हैं। रोड भी अभी चौड़ा बना दिए हैं मस्त, पहले छोटा सा रोड था, अभी मस्त चौड़ा बना दिए हैं। और इधर कुछ रैली वगैरह निकालने हुए हैं यार, पता नहीं किस चीज़ की रैली है, बीजेपी का झंडा दिख रहा है। यहाँ से हम लोग जाएंगे लैलूंगा वाली रोड पे राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड में जाओगे तो उधर धर्मजयगढ़ पत्थर गांव की तरफ जाता है वो वाला रोड।
भरघोड़ा सिटी से थोड़ा सा आगे आने के बाद हम लोग यहाँ से राइट साइड वाली रूट को पकड़ेंगे, और सीधे जाते हो तो आप लोगों को सीधा लैलूंगा लेके जाएगी वो वाली रोड। और ये मीलूपारा, तमनार और कहाँ कहाँ लेके जाती है पता नहीं है ठीक से, तो चलो चलते हैं। ये थोड़ा सा संकरा सा रोड है, ख़राब नहीं है, बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा संकरा है बस। यहाँ से हम लोग लेफ्ट साइड वाली रोड पे चलेंगे, ये थोड़ा सा कच्ची रोड है। और ये पता नहीं कौन सा गांव है यार, रिंगाल बाहरी है या बरकस वाली है ठीक से पता नहीं, मेरे को लिखा भी नहीं है। तो ये देख सकते हो इधर के गांव भी काफ़ी अच्छे और प्यारे लग रहे हैं। रोड देख के ऐसा लग रहा है काफ़ी डेवलप कर रखा है इधर, देख रहे हो ना। ये ओवर ब्रिज है जो कि इसके नीचे से ट्रेन जाती है, ओवर ब्रिज अभी अभी नया बना है ट्रेन रेल लाइन, और ये ओवर ब्रिज भी अभी अभी बना है तो काफ़ी अच्छा बना है। अभी कलर वगैरह इसमें पेंट करेंगे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा, आज डिस्क्रिप्शन में डाला जाएगा। लगभग हम लोग भालूमूड़ा पहुंच गए हैं, इधर लिखा है डीपा पारा भालूमूड़ा। इधर का लोकेशन काफ़ी प्यारा लग रहा है, सामने साइड पहाड़ है और गांव इधर सामने में है, दिख रहा होगा। सभी पहुंच गए हैं जैसा लग रहा है, सबसे देरी से मैं ही आ रहा हूं, अभी दोपहर के लगभग एक बजने वाले हैं। और इधर तो हम लोग इस सामने वाले घर में आए हैं, और मेहमान देखो कितने सारे मेहमान, मेला जैसा लग रहा है पूरा, वहाँ से वहाँ तक पूरा भीड़। A few moments later. तो चलो अभी हमारा खाना खाने का टाइम हो गया है, तो हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं इधर इधर खाना वाना बना रहे हैं उधर, तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को भी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाना बन रहा है, चूल्हा बड़े बड़े चूल्हा बनाए हुए हैं, और इधर देखो अभी हम लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। ये है हमारा थाली प्लेट, सराई के पत्ते वाला पत्ता का प्लेट, बस तो खाने में चावल है और खीर है और बड़ा की सब्जी है और दाल है और कद्दू की सब्जी है और बरबट्टी मिक्स है इसमें। और इधर रसगुल्ला, तला हुआ मिर्ची और मिक्सचर और भी मिठाई वगैरह दिए हैं। मैं इधर अकेला घूमने निकल गया हूँ, घूमने काफ़ी अच्छा लोकेशन पे बसा हुआ है गांव भालूमूड़ा। उधर पीछे दिख रहा होगा पहाड़ दिख रहे हैं पीछे मस्त, अभी बहुत ज़्यादा धूप कर रहे हैं ना, तो मेरे आँख में पड़ रहा है, मतलब ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। रोड भी काफ़ी अच्छा बना है, नया बना है, इधर इसमें डीपा पारा लिखा हुआ है, यहाँ पर भालूमूड़ा लिखा है, देखो यहाँ पर वहाँ पर भालूमूड़ा लिखा है। कहाँ के आते मैंने ज़्यादा पता, हमारे गाँव के यहाँ कितना है बताओ तो। युवराज राठिया। हाँ युवराज राठिया, तुम्हारा का नाम है पिंटू, और तुम्हारा सबका नाम बताओ एक बार। हाँ तुम कहाँ जाता सही, अरे गंदगी मत फैला आदमी। एतियन के नज़ारा तो देखो कतका प्यारा है, और एक अति मोर सारा मन तो ना का यार, मन ना मिनसे मिनसे तो ना का ना यार, बीड़ी पिया बीड़ी पिया बीड़ी पिया, ये तो चश्मा वाला, ये तो हीरो साढ़ हुए चश्मा वाला सराई टोलिया सराई टोलिया। तो रिंग टोन लेखा सुना तो यार मस्त, तुड़े दिन का सवाल गई मोर रिंग टोन ने सुना, मैं लेने सुना ना का सुना है बस कथे तो बात है पानी के कोले।
कितना है तो नाम बता यार। रुकमर कौन गाँव की? डोलेसरा। बात करना। क्या कमाल का बाइक ड्राइव करता है भाई, एक बार और करके बता तो। इधर देखो ना यार, एक बार और ड्राइव करके बताओ ना। ये रीच कर ले, इधर ट्रांसफार्मर को ले आ जा। आराम से जाबे ना भाई, जाना का मत गिरा बे लेकिन आराम से। चल मैं शूट कर रहा था, चल अभी धीरे चला। आने दो जिनाल के देवे गए। मोर मोर कमाल के यार, आहुक चकलाल के देखा है ने, एक गाँव करने आया ढिन टोर देवे बस। बाइक का अगला वाला पहिया ये उठा दिया था ना, इतना छोटा छोटा सा है फिर भी बाइक के अगले वाला पहिया को उठा दिया था अभी। मेरे से तो आज तक नहीं हुआ। कैसे कैसे किया यार बताओ ना एक बार। इधर आओ ना का मेरे को तो अब निकलना पड़ेगा क्योंकि मुझे 50 किलोमीटर का सफ़र करना है और ये लोग यहीं के मतलब इन लोगों का गांव यहीं पे है पास में, डोलेसरा और सराई टोला। मोरसारू सराई टोला के हरे और मोरसारा मन हर डोलेसरा के, उमन के गांव इस कर है। तो उमन लेट में निकल भी चली लेकिन हमारा निकलना पड़ी काबर कि हमारा 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा सफ़र करना है। किसे भाचा किसे बना आता तुम्हें ऐ बस हो तो कि बोल रहा मस्त कुर्सी है तुम इनकी, बढ़िया है। ज़्यादातर ट्रैक्टर से आए हैं, इधर देखो 4-5 ट्रैक्टर उधर खड़ा है। बाइक से भी आए हैं और पिकअप से भी आए हैं और कोई कोई लोग तो साइकिल से भी आए हैं और पैदल भी। तो दोस्तों अभी शाम के 3:30 बज रहे हैं और मैं घर वापस